बत्रा सीए फाइनल इन डायरेक्ट टैक्स के फैकल्टी, आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने आया हूं। हम 30 डेज में मई 2019 के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 30 डेज में कैसे हो जाएगा जीएसटी कस्टम एफटीपी कवर, उसका मैं आपको आइडिया देने आया हूं। कैसे पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको मटेरियल क्या मिलेगा? पहला आपको मिलेगी जीएसटी की समरी बुक, दूसरा मिलेगी कस्टम की समरी बुक, तीसरा मिलेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपके पास चैप्टर वाइज, क्वेश्चन बैंक में आपके पास क्या कवर होगा? चैप्टर वाइज टोटल मिलाकर 27 चैप्टर्स बना रखे हैं। इसमें सबसे पहले उस चैप्टर के आईसीआई के क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखेंगे ये सबसे पहले आईसीआई के क्वेश्चन, वो चैप्टर पढ़ाएंगे कहां से? समरी बुक से। समरी बुक से फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेक्शन 49 पढ़ाया अपनी समरी बुक से। ये यहां थोड़ा एक प्रैक्टिकल आइडिया और फिर इसकी थ्योरी और इसके बाद अगले पेज पे चार्ट से प्रेजेंटेशन। ये पढ़ाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आईसीआई के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 पे, पेमेंट ऑफ टैक्स पे हम आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे। आईसीआई के क्वेश्चन करने के बाद मैंने हर चैप्टर में, ये टेस्ट योर नॉलेज आईसीआई के क्वेश्चन है, फिर मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं, कुछ तो थ्योरी के क्वेश्चन डाल रखे हैं अपने, तो ये एडिशनल क्वेश्चन जिससे हम निकालेंगे कि हमारी जीएसटी की लायबिलिटी क्या रही है, ये करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू मैंने अपने भी डाल रखे हैं, आईसीआई के भी डाल रखे हैं। चैप्टर नंबर 27 इसमें आईसीआई के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 27 पर, ये चैप्टर नंबर 27 में, ये 27.153 पर ये हमारे को आईसीआई के क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आईसीआई ने इशू कर रखे हैं, तो ये एक सैंपल है इस पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर में कि आपने इंडिया में सेल करी है, एक्सपोर्ट करी है, एससीजेड को सप्लाई करी है और आपका आईटीसी इस मंथ का ये बनता है, तो कितना आपको कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सोल्व कराएंगे। और यहां पर जो ऑप्शन आ रही होगी वो सिलेक्ट करा देंगे जी। हाँ जी, ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने एडिशनल क्वेश्चन यहां से चैप्टर वाइज किया था, और फिर इसमें मेरे हर चैप्टर के क्या हैं, हर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन के बाद एमसीक्यू दे रखे हैं। ये जैसे ये पेमेंट ऑफ टैक्स पे एमसीक्यू है, कितने प्रकार के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या डेबिट करना पड़ता है, इनमें से सेलेक्ट करना होगा, ये होगा तरीका। एक चैप्टर उसका समरी से सेक्शन पढ़ा, उसका चार्ट किया नंबर दो पे, तीसरे नंबर पे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद उसका एडिशनल क्वेश्चन और एमसीक्यू, उससे कंसेप्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल यहां मैंने आपको रूल 42 है, रूल 43 है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, कि अगर आपका इनपुट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए हो रहा है, तो यहां मैंने आपको पढ़ाया कंसेप्ट समरी बुक से, इसका चार्ट कराया, फिर इसी से रिलेटेड उस चैप्टर में से आईसीआई का क्वेश्चन अगर है तो, नहीं तो अपना एडिशनल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो डाल रखा है, ठीक है, वो कराया। फिर उसके बाद पास्ट अटेम्प्ट में मई या नवंबर 2018 में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रखा है, जैसे रूल 43 पे एक क्वेश्चन आ रखा है, तो देखेंगे सजेस्टेड है हमारे पास इस चैप्टर नंबर 27 में हमारे पास सारा आईसीआई का मटेरियल है, तो यहां पर सजेस्टेड है, सजेस्टेड में ये मई 18 का जो पेपर हुआ था
इसमें पहला क्वेश्चन वैल्यूएशन का है, अगला ये आईटीसी का है, और एक अब दिखाता हूं रूल 43 पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर टू ये करा देंगे इससे, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके अंदर विश्वास जगेगा, हां अब मैं भी कर सकता हूं। आईसी का क्वेश्चन कर लिया आपने, इसके अलावा आरटीपी का भी क्वेश्चन कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लिया, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए, इसमें जैसे ये आईसीए का सजेस्टेड दिखाया मैंने आपको, ऐसे ही मॉक टेस्ट भी दे रखा है इसमें। आईटीसी का एक कंसेप्ट कराऊंगा, इनपुट क्रेडिट कब मिलता है कब नहीं मिलता है। फिर पेज नंबर 41 पर हमारे पास एक क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, सी इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट भी इश्यू किया करता है, हर अटेम्प्ट के दो, मई और नवंबर 18 के दो दो जो हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, फिर ये करा दिया जाएगा और इससे आपके अंदर विश्वास जग जाएगा कि हां अब मैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर सकता हूं। और रेफरेंस के लिए देखिए, जैसे आपने अपनी समरी बुक से पढ़ा सेक्शन 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, 17.5 कब क्रेडिट नहीं मिलता। अब इसमें जैसे मोटर व्हीकल है या अदर कन्वेंस है, इसका क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन चार केसेस में मिलेगा। अब चार केसेस में मिलेगा तो उसके लिए मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा यहां पर, कहां चैप्टर नंबर 8 का ये देखिए क्वेश्चन बैंक है। इसमें पहले आईसीआई के क्वेश्चन, फिर एडिशनल क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एमसीक्यू हैं। तो इसमें हम आते हैं पेज नंबर 51 पर, और ये कार परचेज करी, अगर वो मोटर व्हीकल का डीलर है क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कितना अमाउंट होगा मिलेगा। तो अगर वो कार का डीलर नहीं है फिर क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहां से आपके अंदर विश्वास जग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले समरी बुक से कंसेप्ट, फिर क्या करेंगे उसके ऊपर आईसीआई के आरटीपी का क्वेश्चन है, तो अगर कोई मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है उसके ऊपर में, नहीं तो एमसीक्यू तो करने ही करने हैं। मैंने जो एडिशनल क्वेश्चन दिखा रखा है वो तो करने ही करने हैं, या पास अटेम्प्ट में कोई सजेस्टेड से कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो आपको कराया जाएगा। तो ये पैटर्न होगा आपको 30 क्लासेस में कराने का। और अगर आपने पहले जीएसटी कभी नहीं पढ़ रखा है तब भी आपको लाजवाब समझ में आएगा, ये इसी तरीके से ये बैच डिजाइन कर रखा है 30 डेज का। अगर मान लीजिए आपने कस्टम भी पहले कभी नहीं पढ़ रखा है तो एक और ऑप्शन है 45 डेज का, उसमें 15 से 16 क्लासेस कस्टम की एक अलग हैं जो मेन बैच की हैं, वो आपको दे दी जाएंगी। तो आप ऑप्ट करना चाहे कस्टम बिल्कुल नहीं पढ़ रखा पहले तो आप 45 डेज वाला ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले जीएसटी नहीं पढ़ रखा कस्टम पढ़ रखा है तो आप 30 डेज वाला बैच ऑफ कर सकते हैं। इस यूट्यूब वाली क्लास के नीचे, इस रिकॉर्डिंग के नीचे आपको कुछ एमसीक्यू का सैंपल एक फाइल मिलेगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिटेल मिलेगी कौन से नंबर पे कॉल करना है, आप अगर ये पेन ड्राइव में बैच परचेज करना चाहते हैं या आप अपने सेंटर पे लेना चाहते हैं। चलिए जी, थैंक यू।